आईपीएल टीम किंग्स इलेवन पंजाब का नाम अब पंजाब किंग्स हो चुका है। ऐसे में आपको बता दें कि नए नाम और नई जर्सी के साथ टीम अब 9 अप्रैल से शुरू हो रहे आईपीएल के 14वें सीजन में उतरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। बता दें आपको कि पिछली बार केएल राहुल की अगुवाई वाली टीम प्लेऑफ में जगह नहीं बना सकी थी, लेकिन लीग को रोमांचक मोड़ देने में अपनी जबरदस्त वापसी से उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इसका श्रेय वेस्टइंडीज के दो धाकड़ बल्लेबाजों को जाता है। बता दें कि क्रिस गेल और निकोलस पूरन ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको ये सारा श्रेय जाता है। बता दें कि पिछले सीजन में हालांकि गेल ने 14 में से सिर्फ 7 मैच ही खेले थे, बिल्कुल किसी फिल्म में गेस्ट अपीयरेंस देने वाले हीरो की तरह, और इन 7 मैचों में जैसे पंजाब के प्लेऑफ के अभियान में जान ही फूंक दी थी। बता दें आपको कि क्रिस गेल के मैदान पर उतरने से पहले तक पंजाब की टीम का संघर्ष इस बात को लेकर था कि टीम 8वें पायदान पर रहेगी या 7वें पर, मगर जैसे ही पूरी तरह फिट होकर गेल मैदान पर उतरे टीम का मानो काया पलट ही हो गया हो। बता दें कि देखते ही देखते पंजाब ने लगातार मैच जीतते हुए खुद को प्लेऑफ की रेस में बनाए रखा, यहां तक कि अन्य टीमों की तरह उसकी किस्मत दूसरी टीमों के परिणाम पर निर्भर भी नहीं थी। ऐसे में आपको बता दें कि उसे अपना मैच जीतकर प्लेऑफ में जगह बनाने का अवसर मिला था, लेकिन टीम निर्णायक जंग में हार गई। बावजूद इसके गेल ने 7 मैचों में 23 छक्के जड़कर इतना जरूर बता दिया कि यूनिवर्स बॉस की आलोचना की जा सकती है, लेकिन उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस बार टीमों की रणनीति कहीं न कहीं गेल के खेल को जल्द से जल्द खत्म करने की होगी। ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाएगा आईपीएल 2021 यानी आईपीएल के 14वें सीजन में गेल का कैसा प्रदर्शन रहता है और टीमें किस तरीके से गेल को आउट करने के लिए रणनीति बनाती है। ANP न्यूज रूम की रिपोर्ट।